वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एलपीजी गैस सिलेंडर की, क्योंकि एलपीजी गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना के तहत सभी महिलाओं को निशुल्क फ्री दिए जा रहे हैं। और जब तक उज्ज्वला योजना का टारगेट कंप्लीट नहीं हो जाता या फिर उसके अंतर्गत आने वाले लाभार्थी पूरे नहीं हो जाते, तब तक उज्ज्वला योजना की स्कीम आगे ही चलती रहेगी। तो आज हम उज्ज्वला योजना का कैसे कनेक्शन हम घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए आवेदन करेंगे। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। आप अपने मोबाइल और कंप्यूटर दोनों में कर सकते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर जाने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो का लिंक अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। जैसे आप उज्ज्वला योजना लिखेंगे तो आपके सामने PMUY का होम पेज खुल करके आ जाएगा। आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जैसे ही आपका नेट की कनेक्टिविटी बेहतर होगी तो ये उसके होम पेज पर आपको रिडायरेक्ट कर देगा। तो उज्ज्वला योजना का होम पेज या भारत सरकार का जो पेट्रोलियम का होम पेज है वो आपके सामने खुल करके आ चुका है। और आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है अप्लाई फॉर न्यू उज्ज्वला 2.0 कनेक्शन, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो फिर से ये आपको ये नया पेज आपके सामने खुल जाएगा और यहाँ पर आपको लिख रहा है क्लिक हेयर टू अप्लाई न्यू उज्ज्वला 2.0, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने संबंधित तीन एजेंसी आ जाएंगी। आपके नजदीक में जो भी एजेंसी हो उसे सिलेक्ट कर लेना है। आज हम जो आवेदन कर रहे हैं वो HP गैस एजेंसी का कर रहे हैं, तो हम क्लिक हेयर पर क्लिक कर लेते हैं। तो तीनों एजेंसियों का प्रोसेस थोड़ा अलग हो सकता है। फिलहाल को हम HP पर वीडियो बना रहे हैं। अगर आपकी कमेंट्स हमें आती है तो हम अन्य एजेंसी पर भी आपको वीडियो बना करके दे देंगे। तो क्लिक हेयर टू अप्लाई पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको एक नए टैब पर ले जाएगा और HP का जो न्यू कनेक्शन अप्लाई करने का जो प्रोसेस है उस पेज पर आपको ये ले जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि My HP गैस का .in का जो पेज है हमारे सामने खुल चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है रेगुलर कनेक्शन रजिस्ट्रेशन या उज्ज्वला बेनिफिशियरी कनेक्शन। तो हमें जो कनेक्शन प्राप्त करना है वो उज्ज्वला के तहत प्राप्त करना है, हमें इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे पेज जो है फिर से रिलोड हो जाएगा और जो इसका इसमें से कुछ चेंजेस हो जाएगा। नीचे लिख रहा है आई एक्सेप्टेड अबाउ, इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ डिटेल खुलेगी और आपसे पूछ रहा है कि आप किस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए अपना जो गैस का कनेक्शन है प्राप्त करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप लोकेशन वाइज या आप एजेंसी का नाम भी लिख सकते हैं। तो मैं लोकेशन से यहाँ से निकाल लेता हूँ उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट रहेगा अमरोहा। अमरोहा डाल लेते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर टाइप में यहाँ पर अमरोहा के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हमारे सामने आ जाएंगे। तो हमारे जो नजदीकी में है वो ये है या इस नाम से आते हैं और हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं। इनका यहाँ पर एड्रेस आ रहा है और नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। एक बार आप देख लें कि जो आपकी एजेंसी का नाम है वो सही है या गलत है। और यहाँ पर आपको मैं आपको ये पूरी डिटेल पहले बता देता हूँ, उसके बाद में फिल करके आपके बताऊंगा। यहाँ पर उसका आधार नंबर एंटर करना है जिसके नाम से आपको उज्ज्वला कनेक्शन चाहिए। यहाँ पर उनका आधार नंबर एंटर करना है, उसके बाद उनका फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम को एंटर कर देना है। यहाँ पर उनकी डेट ऑफ बर्थ हो जाएगी, जिसके नाम से आप आवेदन कर रहे हैं उसकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। उसके बाद उनकी कैटेगरी, किस कैटेगरी में आते हो, कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है आपको यहाँ को। फिर ऊपर स्क्रॉल करते हैं, स्टेट वाइज में उत्तर प्रदेश रहेगा। और उसके बाद राशन इशू डेट, आपका जो यहाँ पर राशन कार्ड की डिटेल रहेगी कि राशन कार्ड आपका कब बना है, तो राशन कार्ड की इशू डेट आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपको राशन कार्ड नंबर लिख देना है। राशन कार्ड लिखने के बाद यहाँ पर आप डुप्लीकेसी में चेक कर लेंगे कि आप उस राशन कार्ड पे पहले से कोई कनेक्शन तो नहीं लिया गया है। उसके बाद आपको यहाँ कनेक्शन एड्रेस टाइप में अर्बन या रूरल, जिस क्षेत्र में आप आते हैं इसे सिलेक्ट कर लेना है। तो हम रूरल में आते हैं, हमने रूरल को सिलेक्ट कर लिया है। उसके यहाँ पर आप हाउस नंबर, बिल्डिंग नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं, या अगर नहीं है तो आप यहाँ पर लैंडमार्क या कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पर आपका स्ट्रीट आ जाएगा, उसके बाद आपका टाउन, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आ जाएगा। डिस्ट्रिक्ट आने के बाद यहाँ पर उत्तर प्रदेश रहेगा और आपकी फोन डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी। तो दोनों में आप मोबाइल नंबर, यहाँ पर मोबाइल में मोबाइल नंबर, ऊपर पिन कोड डाल करके नेक्स्ट कर सकते हैं। फिर से यहाँ पर आपसे देखिए, यहाँ पर आपका आधार नंबर शो कर जाएगा। उसके बाद आपसे पूछेगा बैंक डिटेल, तो यहाँ पर आप अपनी बैंक का IFSC कोड डाल दें, जिस बैंक का भी अकाउंट यूज करना चाहते हैं। और फिर कन्फर्म आपको IFSC कोड यहाँ पर डाल देना है। फिर बैंक
अकाउंट का अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है, फिर कंफर्म बैंक अकाउंट आपको यहाँ पर कर देना है। बैंक के अनुसार आपका क्या नेम है वहाँ यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद नीचे आ रहा है कि आपको कौन सा कनेक्शन लेना चाहते हैं, 14 किलो या 5 किलो, तो यहाँ पर 14 किलो सिलेक्ट रहेगा, बड़े सिलेंडर लेना चाहते हैं। और नीचे पूछ रहे हैं प्रूफ ऑफ एड्रेस, एड्रेस में आप कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं, आधार देना चाहते हैं, वोटर आईडी, ड्राइवर लाइसेंस, राशन कार्ड, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है उसे सिलेक्ट करके आप यहाँ से आप अपना डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है जो आपने डॉक्यूमेंट ऊपर सिलेक्ट किए फिर आपसे यहाँ पर मांगेगा, तो यहाँ से आप UIDAI और एड्रेस प्रूफ में जो आपने सिलेक्ट किया और आधार सिलेक्ट किया तो आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज एक फोटो 50 KB से कम का होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पर राशन कार्ड की स्लिप यहाँ से आपको मांग लेगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ से पूछ रहे हैं डिटेल और फैमिली मेंबर, आपके फैमिली में या आपके राशन कार्ड में कितने मेंबर है, वो सारे मेंबर आपको यहाँ पर ऐड कर देने हैं, जैसे आंटी, अंकल, ब्रदर या बेटे भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर सारी डिटेल आपको ऐड कर देनी है। और नीचे ऐड मेंबर का यूज करना है। उसके बाद आपको आई एक्सेप्टेड अबाउट डिक्लेरेशन पर क्लिक करके सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके सामने एक रेफरेंस नंबर आ जाएगा, और उस रेफरेंस नंबर को आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आपको नोट करके रख लेना है। उसके बाद आपको मैं पूरा ले चलता हूँ, जब आप ये सारी डिटेल सबमिट कर देंगे आपके पास रेफरेंस नंबर आ जाएगा, तो आप चेक डिटेल्स पर क्लिक करके अपनी जो आवेदन की स्थिति है कि आपका यहाँ पर आपको उज्ज्वला सिलेक्ट करना है, फिर रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पर डालना है, डेट ऑफ बर्थ आवेदक की जिस जिसके नाम से आपने अप्लाई किया उनकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल देनी है, और जो नीचे दिया कैप्चा यहाँ पर डाल करके सबमिट कर देना है। तो आपकी जो उज्ज्वला योजना का कनेक्शन का स्टेटस है वो चेक करके हो जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा उसे वेरीफाई किया गया है नहीं किया गया। अगर वो कनेक्शन आपका वेरीफाई किया जाता है तो आप संबंधित डिस्ट्रीब्यूटर से अपना गैस कनेक्शन ले सकते हैं। ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको आवेदन करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट्स करें, और अगर आप अन्य एजेंसी पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो भी कमेंट्स करें। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।